हमारे साथ हैं जौनसार वार के राजनीतिक विश्लेषक एसआर जोशी जी ग्राम मेरा होना। इनकी जो राजनीतिक सोच बूझ और ज्ञान है वो अभी तक छुपा हुआ था, अब कैमरे के सामने पहली बार जो है मुखातिब होंगे आप लोगों से, और ये बताएंगे कि इस बार जो जनरल इलेक्शन हो रहा 2024 का, उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, भाजपा 400 पार करेगी कि नहीं करेगी, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, और खासकर उत्तराखंड में कितनी सीटें आने वाली किस पार्टी को। तो करीब 400 3 350 ज़्यादा तो मिल नहीं सकती। एक बताओ 300 या 350। उसे 350 आनी चाहिए थी कायदे में, तो 350 आनी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा जोर माने कांग्रेस तो फिर 300 तो मिलेगी मिलेगी बीजेपी को। अच्छा, तो उत्तराखंड में बीजेपी की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, 500 सीटें बीजेपी के पास है। 500 सीटें हैं, पर अभी इस बार कैसे कांग्रेस कितनी टक्कर दे रही है, कोई निर्दलीय भी है बता रहे हैं? निर्दलीय भी होगा, बॉबी पवार टेरी से बॉबी पवार नाम का युवा भी निर्दलीय तो लड़ रहा है, कर रहा वो रैली उनका, उसकी कैसी स्थिति है? बहुत जबरदस्त उसकी जौनसार बार है। और जौनसार बार के बाहर भी वो कह रहे रानी के मौत आज से बाहर हो जाओगे, रानी के जो पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी वो तो कह रहा है, लेकिन जनता क्या कह रही है आपके मुताबिक? जनता ये कह रही कि गढ़वाल टिहरी गढ़वाल और पुरोला उत्तरकाशी के वोट नहीं मिलते हैं, वो नहीं देते हैं जौनसार। किसको? ना प्रथम सिंह को दिया ना मोना चौहान को दिया वोट। तो बॉबी पवार को मिलेंगे? उसको इंडिपेंडेंट मिल सकते हैं, युवा को मिल सकते हैं। और लड़का है वो, उसने अभी तक जो कार्य किए हैं उसके बारे में क्या राय है आपकी? अच्छा कर रहा, जो भी कुछ कर रहा है बेचारा, बढ़िया कर रहा है। क्या अच्छा क्या किया उसने अभी तक? आंदोलन छेड़ रहा कि यहाँ का कोई वो नहीं प्रतिनिधि नहीं, निधि तो नहीं कर रहा कोई जौनसार बार ढंग से। प्रीतम सिंह जी भी ठीक है, मोना चौहान भी ठीक है, मधु चौहान है, रामशरण नौटियाल भी, लेकिन जौनसार बार का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं जो पार्लियामेंट की यहाँ की आवाज उठाए। लेकिन एमपी तो उसमें तो बहुत सारी सीटें हैं, उत्तरकाशी की भी है, पुरोला की भी है, और इधर ये मसूरी वाली भी है, इस सीट में आती है ना मसूरी भी? हाँ मसूरी टेहरी में आती है ना, सब टेहरी में आती है, पूर्व उत्तरकाशी की उसमें आती है, सहसपुर भी शायद इसी में, विकास नगर, हाँ विधायक विकास नगर, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें है चांस है बॉबी पवार के, लेकिन औरों से ज़्यादा लेगा इसे वोट, जीतना जरूरी नहीं जीतेगा पर वोट अच्छे लेगा, वोट सबसे अच्छे लेगा ये। रानी रानी की क्या स्थिति है? रानी के बारे में वो सब लोग राजा रानी हो, उनको भी अच्छे वोट मिलते हैं, वोट अच्छे मिलते। इस इलेक्शन के बारे में और कुछ कहना आपको? और इसमें यह कि अब मोदी जी आ सकते हैं ज़्यादा, मेरा तो ये उसको ही मिलेगी सीटें मोदी योगी को। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है आपके विचार में? मोदी तो इस वक्त सबसे अच्छा है, कोई वर्ल्ड लीडर है इसके मुकाबले कोई है ही नहीं है जब तक मोदी है, बीजेपी में भी नहीं ऐसा लीडर कोई अब। और देश में भी कुछ खास किया उन्होंने? रोडें कैसी तो बनाई है? रोड है वो तो नितिन गडकरी ने बनाई रोड, तो सब अच्छा चाहिए, तो सरकार तो बीजेपी की थी, सरकार बीजेपी की है। और क्या काम हुआ है अच्छा? और महंगाई भी कर रहा, गैस के दाम कम कर रहा, सब कुछ कर रहा, पेट्रोल के दाम कम कर रहा, महंगाई का तो कुछ कर नहीं सकते कोई। और रोजगार? रोजगार के लिए वो दे रहा, प्राइवेट को कर रहा वो सपोर्ट, और नई सौर ऊर्जा पे भी जोर हो रहा है, सौर ऊर्जा पे ज्यादा जोर दे रहा हो, और ये बिजली के वाहन भी बन रहे हैं, बिजली के वाहन बना रहे, इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही है, बसें चल रही है, देहरादून चल रही है। वहाँ कहाँ चल रही है जहाँ आप रहते हैं विकास नगर में? वहाँ लांगा रोड से चलती है, 2 बसें रहती है ग्रीन। अच्छा, ये बीजेपी ने ही शुरू किया है? ये बीजेपी ने करवाया शुरू, कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए होंगे? कांग्रेस ने अच्छे काम किए, लेकिन ब्रह्मदास जी ने बहुत किया पार्लियामेंट में हमारे लिए, लेकिन आप क्षेत्र के लिए। अच्छा अच्छा, तो चलिए आपका पार्लियामेंट में ब्रह्मदास जी उठाते थे आवाज। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या संदेश देंगे कि वोट कैसे करें, काबिल आदमी को दें ना वोट? हाँ, ये कि काबिल तो लड़का, युवा लड़का 26 साल का एज है उसकी, मुना राणा का बड़ा खास है, मुना राणा भी संघर्ष करते थे। हाँ, संघर्ष, उन्हें लाठियां खा रही है मुना राणा ने, दूरदर्शन देख रखा मैंने,
और इन्होंने भी बॉबी ने भी लाठी खाई, हाँ जेल में डाला है इनको, जो उसका युवा वर्ग है ना, हाँ बहुत भयंकर युवा वर्ग इसके साथ। और वो तो जौनसार बावर के बाहर भी पूरी जगह ही है शायद उसके साथ, पूरे उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड है वो, उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अध्यक्ष, उसका भी अध्यक्ष है वो। जीत गया, जो भी जीत गया उसको क्या करना चाहिए, अपने टेरी गढ़वाल जो एमपी का जो क्षेत्र है, एमपी से भाई बेरोजगारी के लिए, हाँ और पार्लियामेंट में विधानसभा में आवाज उठाएं, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ, स्वास्थ्य के लिए भी होना चाहिए स्वास्थ्य सुविधा गांव-गांव में, स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। सुशील सिंह एमएलए बना तब बने हुए हॉस्पिटल और स्कूल जब सुशील सिंह जीते हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में, तो ये भी बोलते हैं और खासकर जौनसार वार में कि यहाँ तो ठेकेदारी व्यवस्था ज्यादा, हाँ ठेकेदारी है, पर और सियाने हैं वहाँ सब, तो अब लोग जनता को अपने विवेक से वोट देना चाहिए, किसी कहने पे देना चाहिए अपने, वो तो युवाओं के लिए दे रहे जौनसार वार में सपोर्ट। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे श्री एस आर जोशी जी, ग्राम मेरा होना, राजनीतिक विश्लेषक।